आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 8 राज्यों की 59 सीट पर मतदान, मध्य प्रदेश में निमाड़ मालवा की 8 सीटों पर वोटिंग। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ठोका प्रधानमंत्री पद पर दावा, कहा मैं फिट और मोदी अनफिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भगवान केदारनाथ की शरण में, विजय के लिए रुद्राभिषेक कर लगाया ध्यान। कांग्रेस के चुनावी वादों को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, कांग्रेसी फिर पहुंचे शिवराज सिंह के घर। और छत्तीसगढ़ में 21 जवानों की जान लेने वाली 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर में 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान। इस दौर में मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ की 8 सीटों पर भी वोटिंग। मतगणना 23 मई को होगी और यह तय हो जाएगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो क्षेत्रीय दलों की पौबारा हो जाएगी और ये किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। देश की सत्ता के फाइनल के लिए मतदान, लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग। आखिरी दौर में बिहार की 8, झारखंड में 3, मध्य प्रदेश की 8, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, चंडीगढ़ की 1, उत्तर प्रदेश की 13 और हिमाचल की 4 सीटों पर जनता अपना सांसद चुनेगी। आखिरी चरण में प्रदेश की 8 सीटों पर है मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांताराव लोकसभा की देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा सीट के चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 83 केंद्रीय अर्धसैनिक बल और 49 राज्य सशस्त्र बल की कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा 18,000 विशेष पुलिस मतदान केंद्रों में लगाई गई है। एमपी में 3,378 मतदान केंद्र क्रिटिकल श्रेणी में हैं। इन पर सबकी विशेष नजर है। इस बार चुनाव ड्यूटी में तैनात कई महिलाओं की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो सुर्खियां बन रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे लखनऊ में पीली साड़ी और भोपाल में नीले आउटफिट वाली महिला अफसर चुनाव ड्यूटी के दौरान चर्चा में आई थी। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल थी कि ये रातों रात सेलिब्रिटी बन गई। ऐसे में जब चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को मतदान सामग्री बांटी गई, इस दौरान पेशे से शिक्षक अभिलाषा श्रीवास्तव की एक तस्वीर सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो अभिलाषा का कहना है कि फैशन महिलाओं की स्वतंत्रता का प्रतीक है और वो आज़ादी के साथ मतदान ड्यूटी कर रही है। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी भावना बडोडिया भी ग्लैमरस अंदाज में चुनाव में ड्यूटी पर पहुंची। वहीं कई स्थानों पर तो महिला कर्मचारी सेल्फी लेते नजर आए। चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारी का ऐसा ही ग्लैमरस अंदाज इंदौर में भी नजर आया, जब हैट लगाकर महिला कर्मचारी मतदान सामग्री ले जाते हुए कैमरे में कैद हो गए। एक तरफ फिर प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी हैं, तो विपक्ष इस पद को लेकर पसोपेश में है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद को बतौर प्रधानमंत्री पेश करते हुए खुद को पीएम नरेंद्र मोदी से बेहतर उम्मीदवार बताया। मायावती ने कहा है कि वे देश के लोगों के वेलफेयर से जुड़े कामों को करने के लिए फिट हैं, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी इस काम के लिए अनफिट हैं। प्रधानमंत्री पद को लेकर नतीजे आने के पहले ही दावेदारी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पद के लिए अपनी ताल ठोक दी। मायावती ने एक बयान में कहा है कि जहां तक विकास का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में बदलाव कर दिखाया है। यूपी में हुए विकास कार्यों के आधार पर यह माना जा सकता है कि देश और लोगों के विकास के लिए बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी से ज्यादा फिट है। अपने किए गए कार्यों को गिनाते हुए बीएसपी चीफ ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री पद का 4 बार का कार्यकाल पूरी तरह से साफ है। उन्होंने बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का साक्ष्य रखा। मायावती ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हालांकि बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी का कार्यकाल काफी लंबा रहा है, लेकिन उनकी छवि सांप्रदायिक नेता के तौर पर बनी है।
जो देश के इतिहास में काला धब्बा है। उन्होंने कहा कि मोदी बतौर गुजरात सीएम राजधर्म निभाने में असफल रहे थे, वहीं पीएम पद के लिए भी अनफिट हैं। पीएम द्वारा मायावती को दलित का बेटी कहने वाले बयान पर बसपा सुप्रीमो ने कहा कि नरेंद्र मोदी का रुख दलित विरोधी है, उनके जैसे नेता नहीं चाहते कि दलित समाज की तरक्की हो। ये पूरा देश जानता है कि जो लोग बेनामी संपत्ति रखते हैं वे सभी भाजपा से जुड़े हैं। ये पहली बार है जब मायावती ने खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया है। इसके पूर्व शरद पवार और अखिलेश यादव भी उनका नाम आगे बढ़ा चुके हैं। एक तरफ मतदान, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थकान भरे चुनाव प्रचार के बाद बीजेपी की विजय के लिए बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया। मोदी ने गरुड़चट्टी गुफा में ध्यान साधना भी की। केदारनाथ में मोदी पारंपरिक गढ़वाली वेशभूषा में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की यात्रा पर हैं। वह पारंपरिक गढ़वाली वेशभूषा में थे। उनकी कमर में भगवा वस्त्र और सिर पर पहाड़ी टोपी थी। उन्होंने केदारनाथ में एक घंटे पूजा अर्चना की। शांति पाठ के बाद उन्होंने रुद्राभिषेक किया। मोदी ने गरुड़चट्टी गुफा में ध्यान साधना भी की। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम पर बादाम्बर चढ़ाया है और घंटा भी अर्पित किया है। बताया जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वह घंटे या घंटियां चढ़ाते हैं। कई बार लोग मन्नत मांगने के समय भी इस तरह का उपहार चढ़ाते हैं। घंटे का वजन 1 से 1.5 क्विंटल का है। केदारनाथ में मोदी एक खास गुफा में गए और कुछ समय गुजारा। यह गुफा केदारनाथ मंदिर परिसर में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बनी है। इसकी ऊंचाई करीब 12,250 फीट है। केदारनाथ धाम के प्रति मोदी की गहरी आस्था है। 80 के दशक में उन्होंने 1.5 माह तक यहाँ समय गुजारा था और साधना भी की थी। इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी की शनिवार को प्रस्तावित केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम यात्रा को अपनी मंजूरी दी है। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय को आगाह किया है कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता अभी भी लागू है। पीएमओ ने मोदी की उत्तराखंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को समझ लिया है। सूत्रों का कहना है कि चूंकि यह आपराधिक यात्रा है, आयोग ने पीएमओ को 10 मार्च से अमल में आई आचार संहिता की याद दिलाई है। प्रधानमंत्री केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के भी दर्शन करेंगे और उसके बाद दिल्ली लौटेंगे। मध्य प्रदेश में वादे पूरे करने और न करने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस नेता पूरे किए गए चुनावी वादों की फेरिस्त लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के घर गए, लेकिन शिवराज सिंह नहीं मिले। शिवराज सिंह ने कहा कि वादे पूरे किए हैं तो जनता के बीच में जाओ, मेरे घर आने की क्या जरूरत है। मध्य प्रदेश में वादों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस का कहना है कि वे पूरे किए गए वादों के दस्तावेज लेकर शिवराज सिंह के घर गए, लेकिन शिवराज ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सिंह कांग्रेस पर अनर्गल आरोप लगाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इसके पहले किसान कर्ज माफी के दस्तावेज लेकर भी कांग्रेस नेता शिवराज के घर पहुंच गए थे। समय नहीं मिला, लेकिन हमने जो घोषणा करी थी कि हम 1:30 बजे प्रमाण देने आएंगे। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सिंह ने कहा था कि कांग्रेस अगर वादे पूरे कर देगी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो अब शिवराज सिंह चौहान ले राजनीति से संन्यास, अपनी बातों को पूरा करें। शिवराज सिंह, हमने जो कहा था वो काम पूरा किया है। इसके बाद शिवराज सिंह ने कहा अगर वादे पूरे किए हैं तो जनता के बीच जाए कांग्रेस, अब साफ हो जाएगा। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, अगर वादे पूरे कर दिए तो घबरा क्यों रहे हो, बौखला क्यों रहे हो, मेरे घर क्यों आ रहे हो? सीना तान के कहो कि हमने वादे पूरे किए, चलो जनता के बीच। अब उनको और कुछ नहीं दिखता, चलो शिवराज के घर। सपने में आज भी मैं ही याद आता हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उनने जो कहा है 83 वचन पूरे किए, झूठ का पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा। कागज के टुकड़े पे आदेश जारी करने से, आदेश जारी कर दिया कि 6,000 रुपया 4,000 रुपया क्या स्ट्राइक फंड दिया जाएगा, किसको मिला कोई बताए तो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कांग्रेस के ऊपर निशाने साध रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस हर चीज के सबूत लेकर शिवराज सिंह के घर पहुंच रही है। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। 21 जवानों के शहादत की वारदात में शामिल रही महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 5 लाख की इनामी नक्सली लाली और नंदे कई बड़ी वारदातों में शामिल रही है। 5 लाख इनामी महिला नक्सलवादी नंदे उर्फ लाली केरला पाल एरिया कमेटी स्वास्थ्य ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष दंतेवाड़ा में समर्पण किया। पुलिस और सुरक्षा बलों को लंबे अरसे से इसकी तलाश थी। नंदे कई बड़ी वारदात में शामिल रही। सबसे पहले 2003 में गुंडम गेलूर में हुए ब्लास्ट में यह शामिल थी, जहां ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुआ। उसके बाद 2010 नारायणपुर के झारा घाटी में फायरिंग, जिसमें 5 जवान शहीद हुए, उसमें इसकी मुख्य भूमिका थी। तो 2014 में सुकमा चिंता गुफा के कसालपाड़ फायरिंग, जिसमें 14 जवान शहीद हुए, उसमें भी नंदे मोस्ट वांटेड थे। इस महिला नक्सली लीडर का समर्पण नक्सली संगठन के लिए बड़ी क्षति समझा जा रहा है। कौन कौन सी बड़ी घटना में शामिल थे आप? कसालपाड़। और जारा घाटी। बम लगाए थे। अच्छा, कसारपार में कितने जवान शहीद हुए थे? 11। तो नक्सली संगठन में क्यों छोड़े, क्या कारण है नक्सली संगठन से छोड़? अच्छा, नक्सली संगठन से कब से छोड़े हो? एक ही साल हुए। तो अब पुलिस के साथ रहेंगे, पुलिस का काम करोगे? कौन कौन से हथियार चलाते हैं? और मारा बोल। और डेटा कमेटी की इंचार्ज रही है, तो काफ़ी भर्ती इसने कराई है, तो दोनों डेटा कमेटी के सीनियर हमारे पकड़ा गया। कल वो मुलाकी वाला कल पकड़ा है, जीवन और ये केरला कॉल किए हुए। अपराध भी और निकलेंगे इतने तो कि उन्हें ढूंढे हैं। ज़्यादातर अपराध वहीं पर किए हुए, नारायणपुर में किए हुए या फिर सुकमा में किए हुए। पहले नारायणपुर में कहा जाती है 2008 से लेकर 2014 तक। 2010 वाला नारायणपुर का है, 2014 में सुकमा में आ गई है, प्रसादगढ़ वाले में है। लाली और नंदे खतरनाक नक्सली है, जिसने कई वारदातों को अंजाम दिया है। इसे बंदूक चलाने से लेकर गोरेला वॉर तक की ट्रेनिंग दी गई थी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर दबाव बढ़ते ही वो उड़ीसा की सीमा में घुस जाते हैं और वहां वारदात को अंजाम देने लगते हैं। मलकानगिरी में नक्सलियों ने एक वारदात को अंजाम दिया और पंचायत ऑफिस को ब्लास्ट करवा दिया। इस समय नक्सलवादियों पर छत्तीसगढ़ में दबाव बना हुआ है, इसीलिए नक्सली महाराष्ट्र और उड़ीसा की सीमाओं में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात उड़ीसा में मलकानगिरी जिले के तेरुमपली में 30 से 40 नक्सलवादियों ने धावा बोला और पंचायत ऑफिस को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। छत्तीसगढ़ में बढ़ते दबाव के कारण नक्सली सीमावर्ती उड़ीसा में तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। नक्सलियों की खबर के बाद अब खबर शहरी गुंडे और भू माफियाओं की। भोपाल में माफियाओं और गुंडे बदमाशों में पुलिस और कानून का खौफ खत्म हो गया है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस के लचर रवैये के कारण कई बड़ी घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया। भोपाल की सड़कों पर सरेआम युवतियों को तालिबानी अंदाज में मारा पीटा जा रहा है और पुलिस है कि कुछ करती नहीं। यह तस्वीर डराती है, यह दृश्य सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस सरकार को किसी बदलाव के लिए सत्ता में लाया गया था? क्या भोपाल की सड़कों पर सरेआम तालिबानी अंदाज देखने को मिलेगा? एक अकेली लड़की इन भूमाफियाओं से दो दो हाथ करना चाहती थी, लेकिन पुलिस के पाले गए इन भूमाफियाओं का शहर भी पुलिस और राजनेताओं से ऐसा गठजोड़ है कि ये खुद को खुदा समझने लगे हैं। सरकार की नाक के नीचे भोपाल के निशातपुरा इलाके में प्लाट पर कब्जे को लेकर एक युवती को आधे घंटे तक कुछ भूमाफिया के बदमाशों ने बेल्ट और डंडे से जमकर पीटा। इनका इतना खौफ है कि हर कोई इस वारदात को अनदेखा कर आगे बढ़ता गया। किसी ने चुपचाप इस घटना का वीडियो बना लिया। भूमाफियाओं का खौफ ऐसा कि इलाके में सब कुछ ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मारपीट के दौरान इस महिला के कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की गई। इस वारदात की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना की शिकायत करने थाने पहुंची महिला की पुलिस ने पहले सुनवाई नहीं की और कहा कोई सबूत है, पीड़िता के पास घटना का कोई सबूत नहीं था। इस सब के पीछे एक पुलिस वाले का ग्रोह है। जब इस घटना का सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब कुछ आला अफसर नींद से जाके और भू माफियाओं के गुर्रे के खिलाफ सिर्फ छेड़खानी और मारपीट का मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। भू माफियाओं से भिड़ने वाली 24 वर्षीय युवती
निषादपुरा इलाके में अपनी माँ के साथ रहती है। माँ का कहना है कि शांति नगर में उसने 15 साल पहले 600 वर्ग फीट का प्लॉट खरीदा था। शुक्रवार दोपहर माँ बेटी प्लॉट देखने पहुंचे, जहां देखा कि उसी प्लॉट पर निर्माण कार्य चल रहा है। मौके पर उसे किशन साहू, संजीव तिवारी व एक अन्य युवक मिले। पीड़िता ने जब उन्हें बताया कि यह प्लॉट उसकी माँ का है, तो किशन साहू ने कहा कि प्लॉट तो उसका है। युवती ने जब निर्माण कार्य का विरोध किया तो भूमाफियाओं ने लाठी बेल्ट से युवती को सड़क पर मारना शुरू कर दिया। युवती पिटते पिटते बेहोशी की हालत में आ गई तो गुंडे उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। कई घंटों बाद पुलिस ने अपनी नाक बचाने के लिए पीड़िता की शिकायत पर किशन साहू, संजीव तिवारी और एक अन्य के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट, जान से मारने की धमकी और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में पुलिस का गैर जवाबदाराना रवैया सामने आया है। ये वो दृश्य हैं जो आपके मन में कई सारे सवाल खड़े करते हैं कि आखिर हम किन लोगों के बीच में और किस समाज में रह रहे हैं। ऐसे में जब पुलिस और सिस्टम फेल हो जाता है तो इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। अब खबर बीजेपी की नई नई नेता बनी साध्वी प्रज्ञा भारती से जुड़ी। साध्वी से बीजेपी नेता बनी प्रज्ञा ठाकुर अपने बड़बोलेपन के कारण विवादों में है। यही वजह है बीजेपी से लेकर दूसरे नेताओं तक सभी उन्हें निशाना बना रहे हैं। पूर्व विधायक पारस सकलेचा भी साध्वी प्रज्ञा को लेकर अपना आपा खो बैठे और उन्हें डायन कहने से भी नहीं चूके। अपने बड़बोलेपन का शिकार हुई बीजेपी नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस वक्त सभी के निशाने पर हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भले ही प्रज्ञा ने माफी मांग ली हो, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। इधर रतलाम में पूर्व विधायक पारस सकलेजा भी प्रज्ञा के बयानों से खासे नाराज नजर आए। उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को डायन तक कह दिया। देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल भोपाल। देश के दिल भोपाल में इतना घटिया उम्मीदवार खड़ा किया कि जिसका नाम लेते हुए शर्म आती है। चुनाव खत्म होने के बाद उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी को निर्देश दिया कि इस तथाकथित साध्वी को, इस डायन को दो दिन कमरे में बंद कर दो, इसको बाहर मत निकालना, नहीं तो उठपटांग बयान देंगे। साध्वी प्रज्ञा के बयानों को लोगों ने नकार दिया। ऐसे में रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने जो कहा उसे भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन चुनाव के दौर में नेताओं की जुबान कुछ ज्यादा ही गंदी और जहरीली हो जाती है। खासकर 2019 का चुनाव तो इसके लिए हमेशा याद रखा जाएगा। ये तो थी राजनीति की बात। अब एक और खबर। भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब चलती ट्रेन में एक युवती ने भागते हुए चढ़ने की कोशिश की। वह कोच के अंदर प्रवेश करती उसके पहले ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह घसटने लगी। ये देख युवती के भाई व एक अन्य यात्री ने उसे प्लेटफॉर्म की तरफ खींचा। इस खींचतान में तीनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर गए। इसी बीच ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। तीनों प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच में फंस सकते थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे RPF के जवान ने तीनों को ट्रेन से दूर किया, तब जाकर तीनों सुरक्षित बच सके। घटना भोपाल रेलवे स्टेशन की। पुरानी कहावत है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा ही कुछ हुआ भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक लड़की के साथ, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो ट्रेन के नीचे आने से बच गई। RPF थाना प्रभारी निहाल सिंह ने बताया कि कामायनी एक्सप्रेस सुबह प्लेटफॉर्म 1 से रवाना हो रही थी। इस बीच चलती ट्रेन में 36 वर्षीय युवती आर मिश्रा और उसके भाई समेत 6 लोग वाराणसी से मुंबई जा रहे थे। कोच B2 में उनकी सीट थी। भोपाल स्टेशन पर आर मिश्रा और उसका भाई खाने पीने का सामान लेने उतरे थे। वे वापस ट्रेन में जाते उससे पहले ट्रेन चल पड़ी। युवती भागकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी। उसे बचाने युवती का भाई समेत 2 लोग आए। ट्रेन रफ्तार में थी, इसके कारण तीनों एक दूसरे पर गिर गए। इसी समय ड्यूटी पर तैनात RPF के प्रधान आरक्षक अंगद सिंह ठाकुर ने तीनों को चलती ट्रेन से दूर किया। इस तरह तीनों की जान बच पाई। घटना में युवती व उसके भाई को कोई चोट नहीं आई है। भोपाल व हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर आए दिन ट्रेन से गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस घटना में RPF जवान की भूमिका सराहनीय है। जिस त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उसने तीनों को बचाया वो अपने आप में बहुत अनोखा है और ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। किसानों की कर्ज माफी को लेकर अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। अमित जोगी ने इस मामले में एक 3 सूत्री पत्र भूपेश सरकार को लिखा है और किसानों की कर्ज माफी पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर 3 मांग की है। जोगी ने कहा कि भूपेश सरकार द्वारा पारित ऋण माफी आदेश में समय सीमा निर्धारण और वित्तीय प्रावधान के अभाव में इस आदेश का मूल्य उस कागज से भी कम है जिस पर वह छपा है। अजीत जोगी के शपथ पत्र की जन घोषणा पत्र में नकल करने का खामियाजा छत्तीसगढ़ के 70 लाख किसान भुगत रहे हैं। जोगी ने मांग की है कि राष्ट्रीय और निजी बैंकों से लिए मध्य और दीर्घकालीन ऋणों की माफी के वन टाइम सेटलमेंट की राशि पर समझौता करने के लिए 1 महीने की समय सीमा निर्धारित की जाए। वन टाइम सेटलमेंट की राशि चुकाने के लिए सरकार संसाधन कहां से, कैसे और कब तक उपलब्ध कराएगी, इसका स्पष्ट उल्लेख वित्त सचिव के ज्ञापन में आगामी विधानसभा सत्र के प्रथम दिन ही पटल पर रखा जाए। जोगी ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर विधानसभा नहीं चलने देंगे। सभी बैंकों को किसानों को ऋण चुकाने के नोटिस भेजने अथवा उनके खिलाफ अन्य कोई कानूनी कार्यवाही करने पर रोक लगाने के लिए 3 दिन के भीतर राजपत्र में असामान्य अधिसूचना पारित करें। अमित ने कहा कि मरवाही के 700 किसानों को लगभग 20 करोड़ रुपए का कृषि ऋण पटाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की पेंड्रा शाखा के द्वारा नोटिस दिया गया है। किसानों ने जब कर्ज माफी की बात बैंक अधिकारियों से की तो अधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ऋणी किसानों के खाते में ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई है, इसीलिए नोटिस देकर कर्ज की वसूली की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बाद खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है। शिवपुरी के सिंहवास गांव के तालाब में आज सुबह कुछ मगरमच्छ मरे मिलने से लोग दहशत में आ गए। अचानक तालाब में रहने वाले मगरमच्छों की मौत कैसे हुई ये किसी की समझ में नहीं आया। गांव के ही कुछ लोगों का कहना है कि तालाब में मछली पालने वाले लोगों ने जहर देकर मगरमच्छों को मारा है। सिंहवास गांव में जैसे ही सुबह लोगों को मगरमच्छों के मरने का पता चला तो तालाब के पास भीड़ लग गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने मगरमच्छों को रस्सियों की मदद से तालाब में डालने की कोशिश की, लेकिन आकार में बड़े होने की वजह से लोग उसे तालाब में नहीं डाल पाए। लोगों को लग रहा था कि तालाब में डालने से मगरमच्छ बच जाएंगे। मगरमच्छों की मौत कैसे हुई फिलहाल इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन गांव के सरपंच राजू जाटव ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने इस तालाब में मछली डाली थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उन्हीं लोगों ने ही जहर देकर मगरमच्छों को मारा होगा। गाँव वालों ने वन विभाग और पुलिस को इसकी शिकायत की है। शिवपुरी के बाद खबर बुंदेलखंड इलाके से। घटिया गेहूं खरीदकर गोदाम भेजने के मामले में छतरपुर कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लिया और जिस सोसाइटी ने गेहूं खरीदा था उसे वापस गेहूं बेचकर साफ करने के निर्देश दिए। छतरपुर के हरपालपुर के FCI ने सोसाइटी से किसानों से खरीदे गए गेहूं को मानक स्तर से घटिया होने पर 21 ट्रक गेहूं लेने से इनकार कर दिया। जैसे ही इसकी जानकारी कलेक्टर को लगी तो उन्होंने अपर कलेक्टर की अगुवाई में टीम गठित कर हरपालपुर FCI गोदाम का निरीक्षण करने का आदेश दिया। गोदाम पर खाद विभाग और अपर कलेक्टर की टीम ने अचानक निरीक्षण किया और पाया कि अमानक और कचरे वाला गेहूं भेजा गया है। इस टीम ने मौके पर जाकर FCI में रखे गेहूं और ट्रक के गेहूं की जांच की और घटिया गेहूं खरीद पर जांच की कार्रवाई करने की बात कही। जिस सोसाइटी से गेहूं खरीदा गया वहाँ फिर घटिया गेहूं वापिस भेज कर साफ करने के निर्देश भी दिए गए। नहीं ऐसा नहीं है, अभी हम इस पार्ट पे खड़े हैं। कुछ एक सोसाइटी एक दो सोसाइटी की रिपोर्ट मिली हमको जहाँ से माल जो क्वालिटी खराब है उस सोसाइटियों से हम बात कर रहे हैं और हमारी टीम को भी भेज रहे हैं। वो जाएगी मौके पे जांच करेगी और वास्तव में अगर वो माल की क्वालिटी खराब मात्रा की खरीद रही है तो उनको ये निर्देश दिए जाएंगे। जो माल खरीद रही है उसको छल्ला लगा करके साफ करके उसके बाद में खरीद रहे हैं। सैंपल फिर बता रहे हैं गाड़ी के सैंपल खराब, मतलब कचरा है माल में, धूल है, मिट्टी है, इसलिए सैंपल। कौन से खरीद केंद्र से आप गेहूँ लेके आए थे? छतरपुर से ले आए थे। क्या बोल रहे हैं FCI कर्मचारी? सैंपल फेल है तो वो वापस ले जाना पड़ेगा। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे खड़े हुए? 3 दिन हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब हम छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए जर्जर भोपाली को जो आपको सुनाएंगे बहरन समाचार। नमस्कार, बहन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, भोपाल में चुनाव हो गया है, 65.65% वोटिंग हुई है। और मैं बता रहा हूँ PH फंसता नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह है ना, स्कूटर पे घूम रहे थे दोपहर में, अब अगर हेलमेट लगाए, अब मैं कह रहा हूँ हेलमेट तो लगा ले, इतनी धूप पड़ रही है बताओ, ये चटक जाए खोपड़िया। और इस बार तो इलेक्शन गजब का हो रहा है। और भैया ये तो वोट डालने नहीं गए राजगढ़ में,
है, दूसरों को पाठ पढ़ाती हैं लोकतंत्र का, भैया वोट डालने तो जाओ। और मोदी जी को मौका मिल गया है मजे लेने का, बता रही हूँ मजे ले रहे हैं इनके अब लपक के। वही इस बार इलेक्शन में पीटर सिंह अधिकारी तो ये थे, ग्लैमरस वाले आए उनकी फोटोएं छप रही गूगल लगा लगा के। और मैं कह रहा हूँ ऐसे पीटर सिंह अधिकारी आने लगे तो हर आदमी कहेगा इलेक्शन में ड्यूटी लगाओ, और हर आदमी वोट डालने भी जाएगा बता रहे हूँ। ये इनको इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छा सुझाव दे रहा हूँ मैं, ऐसे पीटर सिंह अधिकारी बनवाओ ताकि इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए। और ये देख लो, ये खबर देख लो, और मायावती और मोदी जी और इनका ये खूब चल रहा है धमाका, एक दूसरे से अटैक चल रहा है। और ममता बनर्जी भी, इनका भी खूब चल रहा है आपस में। और मैं बता रहा हूँ अभी ये एक दूसरे पे आक्षेप लगा रहे हैं इलेक्शन के बाद, कोई पता नहीं ये मायावती इनको सपोर्ट देने आ जाए मोदी को, कोई प्रेम बढ़ जाए भाई इलेक्शन के बाद, कोई कुछ नहीं कह सकते। और ये देखो, ये सेम पित्रोदा, ये क्या कह रहे हैं, 1984 में जो दंगे हुए थे, हुआ तो हुआ, बताओ ये ऐसी घटना हुई थी, ऐसी दुर्घटनाएं हुई थी उस समय, लोग मारे गए तो इनको मजाक सूझ रहा है, जैसे लोगों को रखती है, क्यों मैं बता रहा हूँ। और ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लो उनकी, ये कर लो वो कर लो, अरे ये ऐसी बयान कैसे दे जाते हैं ये लोग बताओ, ये कितनी शर्म की बात है। और प्रियंका गांधी भैया महाकाल के दर्शन करने पहुंची, पहली बार इनको महाकाल की याद आ रही चुनाव के टाइम। और फिर वहां से निकलते ही वही फिर शुरू, और राफेल पे मोदी को लेकर शुरू हो गई, ये बादल छटे थे तो मोदी जी सोच रहे थे कुछ दिखा नहीं, और फिर राडार पे आ गए मोदी, बताओ ऐसी ऐसी बातें करती है, अरे पूजा पाठ करके आओ, कुछ अच्छी बातें करो, ये तो चल रहा है। और ये सिद्धू देख लो, सिद्धू इनका अभी दिमाग भनभना रही है बता रहा हूँ, ये गर्मी है ना चढ़ रही है इनके दिमाग में, जब से कपिल शर्मा का शो से हटाया गया इनको, इनका दिमाग चटक गया है, कुछ भी बोले जा रहे हैं देशद्रोही मोदी और ये और वो। अभी ये कार्यकर्ता को रैप्टा चढ़ दिया इनने, बताओ अभी इनको मैं बता रहा हूँ घर में बिठाओ, इनका दिमाग चटका हुआ है बता रही हूँ। हाँ, और ये देखो कमल हसन, ये भी कुछ भी बोले जा रहे हैं, बोले आतंकवाद पहला हिंदू आतंकवादी था वो गॉड से वर्ड, ये क्या भाषा है बता रही हूँ मैं, कुछ सोचो दिमाग करो। तो मैं स्क्रिप्ट लिख के दे दी इनको और वही पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये फिल्म वाले हैं, इनको समझ में आती नहीं है इसका असर क्या होगा। अब मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स करना है तो ढंग से करो, कुछ विकास की बातें करो, कुछ जनता के भले की बातें करो, ये फालतू बातों में कुछ रखा नहीं है, गड़े मुर्दे उखाड़ने में कुछ नहीं मिलेगा बता रही हूँ। और एक देखो, ये रायपुर में जंगलों में पानी की कितनी समस्या हो रही है जंगली जानवरों को, मैं कह रहा हूँ पेड़ लगाओ जंगल बढ़ाओ, और उनको पानी नहीं मिल रहा, वो 84 किलोमीटर अंदर तक पानी पहुँचाना पड़ रहा है शहर वालों को, बता ये हालत हो गई है। तो भैया ये गर्मी बहुत पड़ रही है, मेरे को भी बहुत प्यास लग रही है, मैं भी पानी पीने जा रहा हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।